8 अगस्त 1942 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन। इसी दिन महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में किया। उन्होंने ऐलान किया कि अब अंग्रेज भारत छोड़ो। गांधी जी ने यह आह्वान ग्वालिका टैंक मैदान में किया था और उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा, करो या मरो, डू और डाई। इसका मतलब था, ए भारतवासी, या तो तुम अपने देश को आजाद करो या अपने देश के लिए मरो। हमने बहुत इंतजार कर लिया, हमने लंबे समय से अंग्रेज के साथ संघर्ष किया, लेकिन अब मुझे यह अंतिम फैसला लेना पड़ेगा कि अंग्रेज को भारत छोड़ना है। भारतीय आंदोलन में ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिका टैंक में भारतीय ध्वज फहराने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। भारत छोड़ो का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था। मेहर अली ने इस नारा को गढ़ा था, जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में काम भी किया था, और मेहर अली ने ही साइमन गो बैक का नारा भी दिया था। 8 अगस्त के इस आह्वान के तुरंत बाद 9 अगस्त को सुबह तड़के गांधी को अरेस्ट कर यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। यह आंदोलन तेजी से पूरे देश में फैल गया और एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। धीरे धीरे आंदोलन फैलता चला गया, क्योंकि गांधी अब तक जो भी आंदोलन की शुरुआत करते थे वह अहिंसक होता था, वह सत्याग्रह होता था, लेकिन पिछले आंदोलन विपरीत स्वर गांधी ने बड़े कड़े शब्दों में अंग्रेजों को चेतावनी दी कि अंग्रेज भारत छोड़ो, और अपने भारतीयों से आह्वान भी किया कि करो या मरो, आइदर डू और डाई, सिंपली डू और डाई। हम यहाँ यह देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण, आखिर इनकी शुरुआत क्यों हुई और गांधी इतने उग्र क्यों हो। आंदोलन के तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की समाप्ति, यानी क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वह पूर्ण रूपेण फेल। दूसरे तरफ 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, और इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन वालों ने भारतीयों को बिना भारतीयों की सहमति से युद्ध में घसीटा, और भारतीय सैनिकों का उपयोग वो अपने हितों की रक्षा के लिए किया जो भारतीयों को पसंद नहीं। अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे कांग्रेस से संबंध विभिन्न निकायों के नेतृत्व में 2 दशक से चल रहे जन आंदोलन ने इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण किया था, और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो गई थी और की हालात थे नहीं, दुनिया फांसीवाद के प्रति लामबंद हो रहे थे। आंदोलन के प्रमुख 3 चरण के आंदोलन के प्रथम चरण में शहरी विद्रोह, बहिष्कार और धरना प्रदर्शन आदि का सहारा लिया गया था, जिसे जल्दी ही दबा गया। पूरे देश में हड़तालें और प्रदर्शन किए गए और श्रमिकों द्वारा कारखाने में काम न करने का समर्थन किया गया। गांधी को शीघ्र ही पुणे के आगा खान पैलेस में कैद कर लिया गया और लगभग सभी नेता को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। यह आंदोलन का पहला चरण। आंदोलन के दूसरे चरण का मुख्य बिंदु अब ग्रामीण क्षेत्र था, शहर में आंदोलन लगभग समाप्त। इस चरण की परिणति किसान आंदोलन, संचार प्रणाली को नष्ट करना, रेलवे ट्रैक और रेडियो स्टेशन, टेलीग्राम के तार खंभे आदि, यानी सरकारी संपत्ति पर आक्रमण करना। तीसरा चरण, जिसको अंतिम चरण माना गया, यह चरण देश के विभिन्न हिस्सों में समानांतर सरकारों के गठन कर साक्षी बना, जिसमें बलिया, तामलोक, सतारा आदि की समानांतर सरकारें, यानी 3 चरण में यह आंदोलन हुआ।